करके चला गया। और जिस समय समुद्र पर ऊपर उतर के जा रहा था उड़ के अपने पुष्प विमान से, तो आज कौशल्या को बीच समुद्र में छोड़ दिया। जब बीच समुद्र में पटका है और इधर मेहतारी इंतजार कर रही है कि मेरी बेटी बगिया में गई है घूमने, बाग में तो आ रही हुई, लेकिन जैसे वो बेटी रोती हुई आज समुद्र में गिरी है, ध्यान रखना वहां देख कौन रहा था, उस सागर की पार पर वो कौन सा छत्री था जो आज उस बिटिया को गिरता हुआ सागर में देख रहा है। एक बात ध्यान से सुने, ब्रजेश बाबू तुम छाप तो लगवा दो, काऊ काऊ को ने ऐसी छापने लग जावे कि एक बार कंचनगढ़ी गांव में 100 रुपया दे एक बहुत बड़े बूढ़े डोकर चांद पे बारनाए मुंह में दांतनाए, और जब आला में छाप दई चेला ने वो बिल्कुल मराए बैठे डोकर, सुबह छाप लगी कि भरी सभा में ऐसे बैठे मानो सरसा के मलखाएं। बात करत में खुले बतीसी कोंदा हो स्वर्ग में जाए, वो दांतना हुए कुमो में पीछे तो वो कड़ी कौन सी आते कि जुलफे रही झकोरा खाए, तो कड़ी तो वो बोलनी चाहिए जो वास्तव में होए। तो छाप लगवा तुम जो तो देख ले करो कि कैसे कहते कहू 90 साल के डोकर ने दे दे हो रुपया 100, और वो लड़का माथ कह रो हो जुलफे रही झकोरा खाए। तो जिस समय आज वो दुष्ट डाल रहा था सागर में और तब सामने देख कौन रहा है, अरे बेटी डारी नहीं नवते और गिरिरैया राज दुलारी है, राग मच्छा भजन करे और नजर लली बेदारी है, दादा सुनिए ध्यान लगाई रोबत आई रही पानी में, भूपन दी ने हाथ बढ़ाए समुद्र में गिर के आ रही थी, राग मच्छ महाराज ने जैसे ही देखा कि ये तो कोई बेटी है, कोई कन्या रोती हुई सागर में गिर रही है, ये दुष्ट डार की गया लंकेश, उसी समय उन्होंने आसन को छोड़ करके दोनों हाथ लंबे कर लिए, जो कूद के बेटी को बचाया है और प्राण बचा करके लाके अपने वाहन के पास बैठा दिए और उतरे कौशलपुर में। अरे नई लौटी राज कुमारी, पहुंचिए घर पे और वे सब सखियां पहुंचिए आंखें में आंसू भर के बोलिए, मैया जंगल में बहन हमारे संग गई थी कौशल्या, लेकिन हम नाम तो नहीं जानते, पर किसी दुष्ट महाबलशाली ने और बहन कौशल्या का हरण कर लिया, जंगल से मंदिर से हरण कर लिया है। श्रोता बंधु अब महाराज कौशल भूप को जब पता चला है, केवल एक बात और सुने ध्यान से, कौन सी, राजा सोच रहे मन में अब कन्नन निभाएंगे
रथ पर नामनिया में तो किनती ब्याह रचामेंगे दादा होना हार सोई हो बेटी को हरण भय बना खड़ा थी अरे राजा टी कपोर गए इस विचार को मन में करते हैं कि कल बरात लेके दशरथ आएंगे। दशरथ महाराज के यहां से बरात आएगी, सम्राट दशरथ बरना बन के आएंगे और लली को हरण है तो कल ब्याह के नको हो गए। अगर ये बात खुले ही कि महाराज कौशल नरेश की तो लड़की को ही पता ना है मारे वाए दिन थे तो यह दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगा। श्रोता बंधुओं, जिस समय भमन में बैठ के रो गए थे कौशल नरेश और उधर वो बेटी कौशल्या रागमक्ष के भुजाओं में, रागमक्ष की गोद में, और तब पूछे बेटी तुम आई कहां से और यह दुष्ट कौन था जो तुम्हें डाल के गया है। विमान तो रावण का लग रहा है। तो आज कौशल्या टीक फोड़ के रो गई है, बोली महाराज मालिम हो गए ना, न तो वो जिमालिम के इनको मोती बैर का है और इन्होंने मुझे क्यों सागर में पटका है। तो बेटी तुम किनकी लड़की हो? तो आज बिटिया पता बता रही है अपना कैसे। अरे कौशल भूप की बेटी हूं और बहुत बड़ी हतिगादी है, दशरथ पर नाम में मेरी कल्ली होगी शादी है, घर पे बिगड़ गए सब काम, अरे कैसे चेहरा समाज में देखी, अरे बिगड़ो है बाप को रखना है। इधर सुमंत महाराज जो राजा के मंत्री थे कौशल नरेश के, वो कह रहे महाराज चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी अगर नगर से गायब हुई है और कल बरात आएगी दरवाजे पर, तुम्हारा एक इंतजाम तो है मेरे पास कि मेरे घर में अगर लड़की मौजूद है उस लड़की का नाम है सुमित्रा। पर महाराज इतना ध्यान रखियो, परनी तो बना दूंगा और लड़की पर हल्दी चढ़वा दूंगा, पर इतना मान सम्मान रख लियो कि काउतर त्याई लड़की फिर मिल जाए फिर तुम मैं ये ठुकरा दो, ऐसा न है जावे, पहले जाके वचनबद्ध हो। महाराज लिख दो आप सूर्यवंशी सम्राट हैं, आप बहुत बड़े क्षत्रिय कुल के राजा हैं, कौशल नरेश इस बात को लिख दो कि अगर मेरी लड़की तैयार भाई बरनी बन के तो ब्याह मेरे ही के संग हो गए। तो आज बात बनाने की खातर कौशल नरेश ने कागज पर लिख दिया है कि दशरथ महाराज जो आएंगे उनके संग मेरे मंत्री सुमंत की बेटी सुमित्रा का विवाह होगा, सुमित्रा का विवाह होगा। अब राजा तो जी कि मेरी गाव जिंदी है दुनिया में, बात बनाई तो सुमंत की लड़की तो बनाई, तो सुमंत महाराज की बेटी पे आज हल्दी चढ़ाई गई है भवन में। श्रोता बंधुओं, अरे क्या